ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आपका बहुत 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 स्वागत है मेरे, आपके, हम सब के चैनल दीपिका राणा ब्लॉग्स में। तो मैं दीपिका फिर से आपके सामने आ गई हूँ एक और अपने मन की बात लेके। तो चलिए बिना देरी करें हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज जैसे आपको पता ही है कि मेरे टॉपिक होते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें होती हैं, तो या सोशली हमारी लाइफ में जो जो चीज़ें होती हैं उन्हीं में से मेरे टॉपिक निकल के आते हैं। तो उसी चीज़ को फॉलो करते हुए अभी आज का जो टॉपिक है वो रिसेंटली अभी मेरे साथ हुआ। मैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जो भी वीडियोस होते हैं कुछ उन पे कमेंट बहुत कम करती हूँ। आई थिंक आज तक मैंने आज मैं 38 इयर्स की हो गई हूँ, बट आपको पता ही है मोबाइल कब से आया और कब से होगा, तो उस हिसाब से मैं बताऊँ आज तक मैंने मुश्किल से 5 और 6 बार ही कभी किसी वीडियो पे कुछ कमेंट किया है, बोला है। और जिन पे कमेंट 2-3 पे किया है तो उसमें से कुछ तो मैंने उन पे वीडियोस ही बनाए हैं अपने चैनल पे कि मेरे कमेंट करने का रीज़न क्या था। इसके अलावा मैं कमेंट नहीं करती। तो अभी एक रीसेंट एक पोस्ट था, इंस्टा पे था, तो उसमें क्या था कि मैं यहाँ पे किसी पार्टी को अच्छा और बुरा किसी को फोर्सफुली समझाने नहीं आई। मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे कौन सी पार्टी अच्छी लगती है। आपकी भी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है आपको कौन सी अच्छी लगती है। मैं सिर्फ अपनी राय रख सकती हूँ और उसको समझना ना समझना वो आप पे है। मैं फोर्सफुली आपसे ये नहीं कहूँगी कि मैं जिस पार्टी को सपोर्ट करती हूँ आप भी उसी को सपोर्ट करिए, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी। तो वो वीडियो था कांग्रेस और बीजेपी के ऊपर, और मींस नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के ऊपर। तो वो वीडियो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था। नीचे मोदी दिखा रखे थे और उनके वीडियो पे लिख रखा था मोदी वाले वीडियो पे अनपढ़, और वहाँ पे मोदी बच्चों के साथ कॉइन वाला गेम खेल रहे थे। मे भी आप लोगों ने भी खेला होगा, मैंने भी खेला है अपने बचपन में, कि फोरहेड पे एक कॉइन चिपका देना और उसके बाद पीछे ऐसे टैप करना और वो कॉइन हाथ में लेना कि मैजिक देखो कॉइन चिपका था और नीचे आ गया। तो मोदी 2 बच्चे आ रखे थे, एक लड़का लड़की, उनके साथ ये गेम खेल रहे थे। पहले मोदी ने खुद के ऊपर करके दिखाया और फिर बच्चों के ऊपर किया और ऐसे किया चिपकाया समथिंग। और दूसरे ही साइड पे जो आपके राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी जी का जो था तो स्टेज पे थे वो, और वहाँ पे एक छोटी बच्ची आई कार्डबोर्ड पे कुछ लिख के लेके आई, तो राहुल गांधी ने वो पढ़ा और फिर बच्ची को बोला कि भाई चीक पे किस दो। बच्ची ने किस दिया, बच्ची हैप्पी थी और बस फिर फ्लाइंग किस ली बच्ची से और फिर बच्ची चली गई वहाँ से। तो उस पे लिखा था पढ़ा लिखा राहुल गांधी वाले वीडियो पे, तो दोनों को कंपेयर कर रखा था, एक अनपढ़ एक पढ़ा लिखा। और फिर कमेंट कर रखा था कई लोगों ने कि देखो अनपढ़ की ये पहचान होती है कि बच्चों के साथ ऐसे गेम खेल रहा है, कॉइन वाले ये पैसे से ही रिलेट करता हर चीज़ को। और किसी ने किया कि राहुल गांधी पढ़ा लिखा है तो देखो पढ़ाई लिखाई वाले गेम खेल रहा है, तो ऐसे करके लोगों के कमेंट थे। तो मैंने भी अपना जो राय है वो रखी और मैंने लिखा कि नरेंद्र मोदी जो हैं, बच्चे उनके साथ कनेक्टेड फील करें तो वो बच्चों के साथ बच्चों वाले गेम खेल रहे हैं। और दूसरी ही साइड पे जो राहुल गांधी हैं वो टिपिकल एटीट्यूड उन्होंने रख रखा है कि बच्ची जो है उसको बस वो बुक के साथ या कार्डबोर्ड पे जो लिख के आई थी उसके साथ और बस अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवा रहे हैं, और एक टिपिकल एटीट्यूड है उनका जो हर राजनेता का होता ही है कि इस तरीके के पोजेस देना। तो मैंने उस पर ये कमेंट किया कि बहुत टिपिकल एटीट्यूड है। तो उसके बाद ये मेरा देखने का नज़रिया था कि मैं जो देख रही थी, मैं देख रही थी कि नरेंद्र मोदी बच्चों के साथ बिल्कुल बचपना कर रहे हैं कि बच्चे उनके साथ कनेक्टेड फील करें। और मैं वीडियो में बिल्कुल ऐसा नहीं देख पाए कि नरेंद्र मोदी बच्चों को हार्शली टैकल कर रहे हैं, बच्चे बहुत तेज़ मार रहे हैं, उनको पीछे टैप कर रहे हैं उनका कॉइन निकालने के लिए तो बहुत तेज़ मार रहे हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं देख पाई उस वीडियो में। और मुझे लगा भी नहीं कि ऐसा हुआ है,
अगर ऐसा हुआ होता, वो पीएम है, उनका तो हर एक चीज़ बड़े ही नोटिस में आती है। क्या वो कैमरामैन को वहाँ रहने देते, या फिर वो वीडियो बनने के बाद उसको अगर उन्होंने इंटेंशनली तेज़ मारा होता तो उसको डिलीट करवाते, आगे ये वीडियो पब्लिश ही नहीं होने देते। पर वो इतना ईजीली वो पब्लिश भी हुआ है वीडियो, तो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी ने कि बच्चों के साथ ऐसे ज़बरदस्ती करके और उनको मारा है और ये सब। बहुत लोगों ने मुझे ऐसे कमेंट किए, और राहुल गांधी का मेरा देखने का नज़रिया ये था कि वो एक टिपिकल एटीट्यूड है जो वोट पाने के लिए करते हैं, कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देंगे और बच्चों की पढ़ाई लिखाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो मुझे, मेरा देखने का नज़रिया ऐसा था कि एक टिपिकल एटीट्यूड रखा। तो उसमें क्या था कि लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आप अंधभक्त हो, इट्स ओके, ठीक है, आप बोलिए अंधभक्त हो, आपको लगता है तो ठीक है। फिर किसी ने अलग अलग कमेंट किए मुझे, फिर किसी ने ऐसे ऐसे कमेंट किए कि मुझे गालियां देनी शुरू कर दी, और बहुत गंदी गंदी गालियां दी। और ये चीज़ मैंने और भी वीडियोस में देखी है, लोग कमेंट्स में ऐसे गालियां करते हैं, पर शायद मैं ये चीज़ भूल गई थी कि यहाँ पर गालियाँ खाने को मिलेंगी, तो मैंने किया। एक चीज़ मैं और बताऊं कि मुझे टचवुड है, उन गालियों का रत्ती फ़र्क नहीं पड़ा, और मैं खुद सोच के हैरान थी कि इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, मुझे फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा, मैं इन्हें रिटेलिएट क्यों नहीं कर रही चीज़ से। मुझे अंदर से बिल्कुल सुकून था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी ऐसी कि मुझे गुस्सा आ रहा हो कि मुझे गाली दे दी। और शायद ये भगवान की कृपा है मुझ पर कि जब से मैं स्पिरिचुअलिटी में आई तो मेरे को मुझे चीज़ों को देखने का नज़रिया बहुत चेंज हुआ। शायद उसी वजह से मैं आई थिंक 100-150 लोगों ने मुझे कमेंट किया होगा, तो मैंने 100-150 लोगों की, उनमें से चलो 50 लोगों ने गाली नहीं भी दी होगी, तो 100 लोगों ने जो गालियाँ दी उनको मैंने बहुत कामली लिया, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई। और मैंने हर एक के कमेंट का रिप्लाई भी किया, ऐसा नहीं है कि गाली सुनने के बाद मैं चुपचाप बैठ गई कि अब मैं बोलूँगी नहीं तो बहुत देंगे। मैंने हर एक बंदे के कमेंट का रिप्लाई किया और बहुत ही पॉजिटिवली दिया, और यही देखा मैंने, उनको यही बोला कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे, या फिर मैंने किसी को ये बोला कि आई थिंक आप अपनी पर्सनल लाइफ में खुश नहीं हो, शायद उसी की भड़ास आप यहाँ पे निकाल रहे हो, तो आप थोड़ा मेडिटेट कीजिए। जो मैं फील कर रही थी एक्चुअल में, मैं लोगों के लिए, बहुत लोगों पे, मुझे ऐसे लोगों पे तरस आ रहा था कि लोग अपनी लाइफ में इतने परेशान हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो फैमिली वाइज हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो खुद की पर्सनल कोई हेल्थ इश्यू हो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से लोग कितना परेशान हैं कि लोग ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आके, आप किसी इंसान को जानते भी नहीं हो, आपने उसको देखा तक नहीं है, सिर्फ आप उसका कमेंट पढ़ा है और आप उसको इतनी गालियाँ दे रहे हो। और एज़ अ एजुकेटेड ह्यूमन बीइंग आपको ये भी नहीं पता कि आप एक लेडी को गालियाँ दे रहे हो, आपको बिल्कुल इस चीज़ का पता नहीं लगता कि आप किसी को ऐसा बोल के आप अपने आप को शो कर रहे हैं कि आप मेंटली कितने अनहेल्दी हैं। तो मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक को अपने चैनल पे ज़रूर लेके आना चाहिए, शायद इन वीडियोस, मेरे वीडियोस को देखने वालों में से कोई ऐसा हो जो ऐसे कमेंट में, किसी के कमेंट पे ऐसे गालियाँ देता हो। तो उन्हीं के लिए मेरा ये वीडियो है कि आपको पता है कि गालियों की जो एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है, पॉजिटिव तो होती नहीं है। गालियाँ चैंट कीजिए और फिर बताइए कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है, और दूसरी तरफ ही कोई पॉजिटिव वर्ड आप चैंट कीजिए और फिर बताइए आपको कैसा फ़ील हो रहा है। तो दोनों की एनर्जीज़ में बहुत डिफरेंस है, हर चीज़ की एनर्जी होती है, बहुत लाइटली हम चीज़ों को लेते हैं, किसी चीज़ की कोई एनर्जी नहीं है, हर चीज़ की एनर्जी है, नेगेटिव पॉजिटिव, उसी हिसाब से आप अपनी फ्रीक्वेंसी पे रहते हैं। आप ऐसे किसी को गाली देके आपको लग रहा है कि सामने वाले को ऐसा बुरा लग गया होगा, अब वो करेगा नहीं रिप्लाई या ये वो, आप दूसरे का ना सोच के पहले अपने आप को सोचिए कि मुझे अपनी मेंटल हेल्थ ठीक रखनी है, मुझे अपना मेंटल पीस चाहिए, मैं ऐसी चीज़ें बोलूँ ही क्यों अपनी लाइफ में जो मेरे माइंड में काफ़ी टाइम तक रह जाए, जो मेरे ऑरा को नेगेटिव करे,
जो लोगों में मेरे बारे में जो राय बने वो नेगेटिव बने, ऐसे काम हम क्यों ही करें? क्यों नहीं हम एक हेल्दी डिबेट करते? क्यों नहीं हम एक हेल्दी रिप्लाई करते? आप उसमें अपना ओपिनियन रख दीजिए कि नहीं मैडम, आपके देखने का तरीका अलग है और ऐसे हो रहा है। जिन लोगों ने ऐसा लिखा कि राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं तो वो ऐसा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ऐसे हैं तो वो ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने जिन्होंने अपनी राय रखी, मैंने उनको एक हार्ट का इमोजी भेजा, क्योंकि मुझे पता है ठीक है वो अपनी राय रख रहे हैं, मैं थोड़ा होती हूँ मैं किसी को अपने अकॉर्डिंग चलाऊँगी, उनकी राय है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी राय की। पर जो डायरेक्ट आते ही गंदी गंदी गालियाँ दे देना, तो उन लोगों के लिए मेरे को बहुत तरस आया, बहुत मैं सोचने पे मजबूर हुई कि क्या हो गया है ना आजकल के लोगों को, कि मतलब कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि एक छोटा सा मौका क्या मिल जाए और वहाँ पे अपनी भड़ास निकाल देना। तो तभी मेरे माइंड में क्लिक हुआ, मैं इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। और बोलने वालों को तो मैंने बता ही दिया कि आप अपना ऑरा ख़राब कर लेते हैं, आप अपनी एनर्जीज डाउन कर लेते हैं ऐसी चीज़ें बोल के। और जो सुनने वाले हैं उनको मैं बोलूँगी कि कोई आपको ऐसे कमेंट करता है गालियों वाला या कुछ गंदी लैंग्वेज बोलता है, उस पर रिटेलिएट होके अगर आप भी उसी की उस पर जो उसका स्तर है उस पर उतर जा रहे हैं कि आप भी गाली दे रहे हैं, तो आप में और उसमें कोई फ़र्क है ही नहीं। आप उनको हाथ जोड़ दीजिए, अगर आपके पास कोई कमेंट करने के लिए नहीं है उसको हाथ जोड़ने का एक इमोजी भेज दीजिए, बस इतना ही बहुत है। उसके आगे वो आपको कोई कमेंट ही नहीं करेगा, और क्यों आप उसकी बातों से फिर अपना भी ऑरा नेगेटिव करें। तो ऐसी चीज़ों को ना हर समय जब भी कोई गलत काम हो उसको जल्दी से रोकने की कोशिश करनी है। पॉजिटिव चीज़ हो बढ़ाओ उसको, पर नेगेटिव चीज़ को वहीं दबा दो, रोक दो। रिटेलिएट करके गालियाँ देके वो चीज़ इतना बवंडर बन जाना, सोशल प्लेटफॉर्म्स इतने गंदे बन जाना, वो बेकार है। फिर कोई अपनी राय कैसे रखेगा उस पर जब लोग ऐसे गालियाँ सुनने को मिलेंगी। और मैं अपने आप से इस चीज़ को लेके बहुत खुश हूँ कि मैंने किसी को ऐसा गाली का जवाब गाली से नहीं, मैंने बहुत अच्छे से बोला। एक ने बहुत गंदी लैंग्वेज लिखी थी तो मैंने उनको लिखा कि आप मुझे जानते भी नहीं हैं और आप ऐसी बातें लिख रहे हैं, मैं सोचती हूँ आपके फैमिली फ्रेंड्स आपको कैसे झेलते होंगे। तो उसने लिखा मेरी फैमिली के बारे में बोलना मत, तो आपको ये नहीं पता कि आप जिसको बोल रहे हैं उसकी भी एक फैमिली होगी। कैसे डुअल पर्सनैलिटी में आप लोग घूमते हैं। जो आप चाहते हैं ना तो आपको सामने से पहले वो करना पड़ेगा, तब वो चीज आपको मिलती है। और लोग हिंदू मुस्लिम बहुत करते हैं, और मैंने बहुत सुना है इन चीज़ों को कि मैं बोलना भी नहीं चाहती पर मैं यहाँ पे फिर भी बता रही हूँ कि मुस्लिम्स में लेडीज़ की कोई इज्जत नहीं है, ये वैसे बहुत कुछ बोलते हैं। और सच बताऊँ मेरे कमेंट्स में जो भी अब्यूजिव लैंग्वेज जो लोगों ने यूज़ करी उसमें से आई थिंक 90% मुस्लिम मेल्स थे जिन्होंने मुझे गालियाँ दी हैं। ये अपनी लाइफ से कितना फ्रस्ट्रेट है, ये प्रूफ हो गया। पहले मैंने सिर्फ ये बातें सुनी सुनाई थी, मैंने कभी इन चीज़ों को मेरी लाइफ में हुई नहीं, पर जब हुई तो मुझे प्रूफ हो गया कि एक्चुअल में ये चीज़ है। किसी भी लेडीज़ को अपने घर की तो मानते ही नहीं होंगे कुछ, बाहर की लेडीज़ को भी गाली देने से बिल्कुल पीछे नहीं हटना। तो यही चीज़ मुझे इस पे बोलनी थी कि अगर आप लोग जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं और आप लोग उन्हीं लोगों में से हो जो ऐसे कमेंट करके गालियाँ देते हो, तो प्लीज़ मत कीजिए, कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। कोई फ़ायदा है क्या? आपका नुकसान ज़रूर हो रहा है कि आप अपना ऑरा, आप अपनी एनर्जीज नेगेटिव कर रहे हैं, और उन नेगेटिविटीज से टेंशन, फिर बहुत सारी चीज़ें। वैसे ही लाइफ में लोगों के पास फाइनेंशियली स्ट्रगल चल रहा है, प्रोफेशनली स्ट्रगल चल रहा है, हेल्थ स्ट्रगल चल रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, बहुत कुछ है। तो क्यों नई नई चीज़ें आप इन्वेंट कर रहे हो अपने लिए ही? तो हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि ऐसी चीज़ों पे अपना इतना टाइम, इतना प्रेशियस टाइम ऐसी चीज़ों पे बेकार ना कीजिए।
प्यारा सा एक कमेंट कीजिए ताकि आपकी भी मेंटल हेल्थ, आपका भी मेंटल पीस बना रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में ना चाहते हुए भी 15 मिनट का वीडियो हो ही गया, बोलना तो बहुत कुछ था, पर एंड कर रही हूँ इस वीडियो को। तो अगर आपको मेरी बात समझ आई हो और पसंद आई हो तो आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे वीडियो को लाइक करना है और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। मैं दीपिका फिर से आपसे मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।